हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल गुलशन। आज आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि टैली में अगर कोई जीएसटी अपना बिल दे रहा है और हमें उस पर टीडीएस काटना है, तो जीएसटी बिल के साथ हम टीडीएस कैसे काटते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि टैली में जीएसटी बिल के साथ टीडीएस कैसे काटते हैं। सबसे पहले जो भी बिल आएगा आपका, जैसे मेरे पास एक सिक्योरिटी का बिल है, इस सिक्योरिटी के बिल पे जैसे हमें पता है कॉन्ट्रैक्टर पे 0.75% हमारा कटता है टीडीएस। तो जब भी आपके पास कोई सिक्योरिटी का बिल आता है, मान लीजिए, तो अगर उसमें जीएसटी लगा हुआ है, तो सबसे पहले आप जो जिस हेड में जाना है, जैसे सिक्योरिटी चार्ज हमारे पास बिल आया है, सिक्योरिटी का बिल हमारे पास आता है, तो इसके लिए हम सबसे पहले डेबिट करते हैं सिक्योरिटी को चार्ज को। तो हमने यहाँ पे सिक्योरिटी चार्जेस को डेबिट किया। मान लीजिए कि सिक्योरिटी चार्ज का जो बिल था विदाउट जीएसटी, ये 5,000 का बिल था, तो मैंने इसको सिक्योरिटी चार्ज में 5,000 का डेबिट किया। अब इस समय यदि हम टीडीएस काटते हैं, तो जैसे हमें पता है कि हमारा जो टीडीएस पेबल होता है वो हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसके लिए हम टीडीएस पेबल टीडीएस ऑन सिक्योरिटी मैंने हेड बना रखा हुआ है, तो टीडीएस ऑन सिक्योरिटी। अब टीडीएस काटेंगे इस पर, तो हमें पता है कि टीडीएस हमारा 0.75% है कॉन्ट्रैक्टर पे, तो 5,000 का यदि हम 0.75% निकालते हैं तो ये आता है 37.50। तो आप जो टीडीएस पेबल होगा वो होगा 37.50। इसके बाद फ्रेंड्स, यदि इस कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी बिल पे यदि जीएसटी लगा हुआ है, तो जीएसटी में पता है कि जीएसटी बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, तो आप इसे डेबिट करेंगे सीजीएसटी। अब यदि 6% पे है तो आप सीजीएसटी डेबिट 6% करेंगे, तो 5,000 पे जो भी पार्टी ने बिल दिया होगा इस पे 6% जीएसटी का बिल अगर देता है, तो आप 6% निकालेंगे तो 300 रुपये इस पे आता है। तो 300 रुपये यहाँ पे आप सीजीएसटी में 300 डालेंगे। अब उसी तरीके से एसजीएसटी है, तो एसजीएसटी भी हमें पता है कि दोनों ही टैक्स हमारे डेबिट होते हैं, तो डेबिट करेंगे आप एसजीएसटी को 6%, और ये भी आएगा आपका 300 रुपये। तो इस तरीके से अब जो भी पार्टी ने हमें बिल दिया है उस पार्टी को हम क्रेडिट करेंगे, तो जिससे हमारा नक्सेस सिक्योरिटी, हमारा एक पार्टी है जो कि हमें बिल दिया है, तो हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है नक्सेस सिक्योरिटी को, और ये हमें बैठ रहा है 5,562.50 रुपये। तो इस तरीके से आपका ये बिल आपको इंटर करेंगे टीडीएस के साथ। तो इस बिल में हमने देखा कि हमारा जो बेसिक अमाउंट था सिक्योरिटी चार्ज का, वो था बिल पे 5,000 रुपये, और इस पे हमने टीडीएस काटा था इसका 37.5 रुपये, और इसमें हमारा जीएसटी लगा हुआ था 600 रुपये का। तो हमने इस बिल में 600 रुपये का जीएसटी भी लगा दिया और टीडीएस भी काट दिया, और इस तरीके से हम जब पार्टी को पेमेंट करेंगे टीडीएस काटने के बाद, तो ये करेंगे 5,562.50 रुपये, मतलब 5,562 रुपये और 0.50 पैसे। इस 0.50 को आप यहाँ पे राउंड अप कर सकते हैं, यहाँ पे आप राउंड अप कर लेंगे इसको, मैंने इसमें भी राउंड अप का हालांकि लेजर नहीं बनाया हुआ है, तो आप जब बनाएंगे तो इसमें राउंड अप भी करेंगे तो 0.50। तो इस तरीके से आप इस बिल को आप पोस्ट कर देंगे, और इस तरीके से आपका ये बिल पोस्ट हो जाएगा। अब इसका आप देखेंगे लेजर नक्सेस सिक्योरिटी का, तो ये आपका बिल पोस्ट हो गया। 5,000 रुपये का आपका बेसिक अमाउंट, जिस पे कि 37.50 हमने टीडीएस काटा इस पे, और इस पे हमने जीएसटी भी हमने यहाँ पे अप्लीकेबल कर दिया है।
तो इस तरीके से नेक्सस सिक्योरिटी को हम 5562 का हम पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कि अगर कोई बेसिक बिल दे रहा है विद GST तो उस पर हम TDS कैसे काटेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।